सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 11 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बिग बॉस 11 के सभी कंटेस्टेंट्स पर से इसका फीवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है इस बार के कंटेस्टेंट में ऐसे कई लोग थे जो सलमान की विनर बनने की पहली पसंद बन चुके थे। इस फहरिस्त में शिल्पा शिंदे, हितेन के अलावा सपना चौधरी का नाम भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही एक अखबार से बातचीत के दौरान सपना ने सलमान को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हाँ, सपना ने कहा कि मैं बिग बॉस के घर में सहज महसूस नहीं कर रही थी। शो के अंदर खुद को संभालने में मुझे लंबा समय लग गया। शो के अंदर वीक में एक ही दिन सलमान आते थे। सलमान ने किसी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। सलमान खान दिल के बहुत अच्छे हैं। गौरतलब है कि बिग बॉस 11 के बाद सपना चौधरी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए हैं। वह अभय देओल के साथ अपना डेब्यू करने जा रही है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।